हेलो दोस्तों, मैं किरण चौधरी। दोस्तों, आज हम पप स्लीव बनाएंगे। मैं आपको पहले पेपर पे पप स्लीव की कटिंग करके दिखाऊंगी, फिर हम बाद में अपना कपड़ा कटिंग करेंगे। ये हमारे हमने जैसे पेपर लिया है, लेंथ हम अपने अनुसार ले सकते हैं। जैसे हमने अपनी पप स्लीव लॉन्ग बनानी, शॉर्ट बनानी, जैसे मर्जी बनानी है उस हिसाब से लेंथ ले सकते हो। जैसे मैं आप 5 इंच ले रही हूँ। हमें 4 इंच अपनी तैयार करनी है बाजू, तो आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा और आधा इंच नीचे जाएगा। ऐसे ही हम लंबाई में 5 इंच लेंगे। ये हमारा लंबाई का कपड़ा हुआ दोस्तों। अब हम जैसे ये दोस्तों हमारा ओपन है, पर हमें अपने जो बाजू का कपड़ा होगा वो इधर से बंद लेना है। हम यहाँ पे पेपर में एक पिन लगा लेंगे बंद करने के लिए सिरा। अब हम अपनी लंबाई लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जिसमें हमें अपनी चुन्नट बनानी है वो हम 4 इंच लेंगे। जो हम दोस्तों चुन्नट बनाते हैं नॉर्मली हमारे 2 या 2.5 इंच तो होता ही होता है। जैसे 2 या 2.5 इंच तो हमें लेना ही लेना है पफ स्लीव में ऊपर से। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा कपड़ा है तो आप बढ़ा सकते हो। जैसे अब मैं 4 इंच ले रही हूँ, 4 इंच हम ऊपर से और 4 इंच नीचे से। पहले हम इस 4 इंच को मिला लेंगे। ये हो गया। अब हमें अलग से अपनी मोड़े की लंबाई लेनी है, जितना हमें अपना मोड़ा रखना है। मोड़ा जैसे अब मैं 10 इंच रख रही हूं अपना। ये हो गया दोस्तों। अब सबसे पहले हम ये अपना एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। जो ये हमारा पेपर है ये हो गया दोस्तों। अब हम अपने जैसे हमने ये एक्स्ट्रा ले लिया अलग से 4 इंच, तो अब हम जैसे हमने अपना मोटा 10 इंच लिया तो सेम वही कटिंग करेंगे जो हमारी नॉर्मल बाजुओं में होती है। यहां से हम 2.5 इंच लेंगे और इधर से 1.5 इंच ऐसे। अब हम इसको ऐसे शेप देंगे जैसे हम अपने सुमटों के नॉर्मल बाजुओं में देते हैं ऐसे। और यहां से जो हमें खुला रखना है, जैसे अब मेरे बाजू 6 इंच है तो उस हिसाब से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके यहां से कटिंग कर लेंगे। जो ये चीज है दोस्तों, इसकी हमें हमारी कोई कटिंग नहीं होती। ये हमें स्ट्रेट अलग से कपड़ा रखना होता है। ये हो गई। तो अब यही कटिंग हम सेम ऐसे ही कपड़े पे करेंगे अपने। ये हमारा कपड़ा है दोस्तों। ये हमने एक बाजू के लिए कपड़ा लिया। मैं एक बाजू पे आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी, उस हिसाब से आप अपनी दूसरी बाजू तैयार करना। अब ये जैसे हमारा इधर से ये कपड़ा भी हमारा ओपन है, तो यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे जो नजर नहीं आएगी जब हम ऊपर प्लेटें बनाएंगे उनमें। थोड़ा इधर करेंगे, यहां पे हमें जोड़ लगाना है। और यहां से हम बिल्कुल ऐसे सीधा लेंगे। अब हम जो हमारा ये हमने 4 इंच लिया था, यहां पे हम चौक से निशान लगा लेंगे बस। फिर हम इसको बिल्कुल ऐसे सीधा मिला लेंगे।
एक कट यहाँ पे लगाएंगे और एक कट ऐसे ही ऊपर लगाएंगे। हमें इतने हिस्से में अपनी चुनटे बनानी है। अब हम अपने हिस्से की फ्रंट वाले की कटिंग करेंगे। छटाई जो हमें फ्रंट हिस्से पे जोड़ना है ऐसे आधा पौने इंच की। ये भी हमें नॉर्मली जो हम नॉर्मली अपनी बाजुओं में करते हैं सेम वही कटिंग करनी है। ये हो गया दोस्तों। अब हम सिलाई करेंगे। दोनों साइड हमने निशान लगा लिया। अब दोस्तों सिलाई करेंगे। दोस्तों अब हम यहां से लेके और यहां तक जिसकी हमें ऐसे ऐसे प्लेटें बनानी है, यहां से लेके यहां तक हम मोटी सिलाई करेंगे। फिर उसका धागा खींचेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी। हम थोड़ी यहां से दूरी से लेंगे। अब इसको हम जो हमने सिलाई लगाई है इसको धागे को हम ऐसे ऐसे खींचेंगे। अब ऊपर से भी ऐसे इनको हम ऐसे एक सार करेंगे ऐसे यहां से सेट करके। ये हो गई दोस्तों। अब हम इसको सुई से यहां से पहले सुई के साथ ऐसे इनको पक्का करेंगे आगे से और उसके बाद फिर हम ऊपर से सिलाई करेंगे। अब हम सुई के साथ इसको ऐसे ऐसे अपनी प्लेटे को एक सार करते जाएंगे। बाद में हम सिलाई लगाएंगे, पहले हम अपनी सुई से एक सार करेंगे इनको। ऐसे ही हम ऊपर वाली ये इस टाइप हो जाएगी दोस्तों। ऐसे जो हमने वो अलग से जोड़ लगाया था हमारा वो भी अंदर छुप जाता है और इनमें नजर नहीं आता। और इससे जब हम अपनी बाजू लगाएंगे तो ऐसे ऐसे लुक आएगी हमारी बाजू की। अब हम ऐसे ये पट्टी व्हाइट वाली यहां से लेके यहां तक लगाएंगे और इसको ऐसे अंदर वाली साइड फोल्ड करेंगे। अब हम सिलाई करेंगे। अब हम दोस्तों इसको जो हमने पट्टी लगाई है ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे और हम बाहर ऐसे पाइपिंग की तरह निकाल लेंगे। अगर चाहे तो आप चौड़ी निकाल सकते हो या फिर ऐसे ही पाइपिंग की तरह निकाल सकते हो। हम इसको ऐसे फोल्ड करके पहले यहाँ पे पीने लगाएंगे।
हमें एक सा रखना है यहाँ से। ये दोस्तों ये हमने एक सारी पाइपिंग निकाल ली अपनी। अब आप चाहे तो यहाँ पे एक सिलाई कर सकते हो या फिर सुई से ऐसे नीचे ऐसे तरपाई कर सकते हो। मैं अभी नीचे सुई से ऐसे तरपाई कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो या फिर सिलाई लगा सकते हो। दोस्तों ये हमारे बाजू तैयार हो चुके हैं। ये हमने पाइपिंग निकाल लिया, अंदर हमने तुरपाई किया। अगर आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हो ऐसे ऊपर से, या फिर ऐसे ही रख सकते हो, ऐसे भी अच्छी लुक आती है। अब हम अपने बाजू को ऐसे फोल्ड करके जितना हमें अपना मोटा रखना और जितनी यहाँ से अपनी कुल्ली रखनी है उस हिसाब से तैयार करके हम अपनी सूट पर अटैच करेंगे। इसको हम ऐसे ही बीच करेंगे। दोस्तों हमारी ये बाजू तैयार हो चुकी है। अब हम अपने सूट पे लगाएंगे। दोस्तों अब हम बाजू लगाएंगे। बाजू लगाते वक्त दोस्तों हम अपने सूट को उल्टा करते हैं और अपनी बाजू को ऐसे सीधा रखते हैं और ऐसे अंदर वाली साइड ऐसे करके, तो हम जो हमारी बीच होती है और हम अपने तीरे की बीच लेंगे और अपनी बाजू की, तो यहाँ पे हम एक पिन लगा लेते हैं ऐसे। ये हमने लगा ली। अब हम यहां नीचे से भी बीच में ऐसे मिला लेंगे जो हमारी फिटिंग की बीच होती है ऐसे। अब हम इसको ऐसे ही सिलाई करते जाएंगे। ये हमारी बाजू एकदम सही सेट हो जाती है दोस्तों ऐसे। दोस्तों ये देख सकते हो आप, हमारी पफ स्लीव तैयार हो चुकी है। आप इसको अपने लेंथ अनुसार बना सकते हो। आपको लॉन्ग बनानी है, शॉर्ट बनानी है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।